क्या हुआ? कौन? सो जा, कहाँ जा रहे हो तुम? Don't disturb me. मैं disturb कर रही हूँ कि तुम disturb कर रहे हो मुझे? मैंने क्या किया? क्या किया? आजकल तुम्हें नींद में चलने की बीमारी हो गई है. क्या बकवास करती हो? मैं बक नहीं रही हूँ, सच कह रही हूँ. उस दिन बाथरूम में जाने के बजाय तुम अलमारी में घुस गए थे. अरे वो तो कपड़े लेने के लिए गया था. रात को कपड़े क्यों चाहिए तुम्हें? उस दिन प्रेमा जी के घर की तरफ जा रहे थे. लेकिन वो तो दिन था. वो रात थी. अब क्या है? अब रात है, सो जाओ. ओके ओके. तुम्हारी इस बीमारी की वजह से मेरी भी नींद उड़ने लगी है. ओके, सो जाओ सो जाओ. अरे चश्मा क्यों पहन रखा है? वो सपने जरा क्लियर दिखते हैं ना. शट अप, यू शट अप. चटर पटर करती रहती, सो जाओ. के बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा है? कमाल है, मेरा ही घर है. मुझे से पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ. चुरक जी, अरे केकु जी, आप लगता है नींद में हैं. प्रेमा जी, आप इतनी रात को मेरे घर में क्या कर रहे हैं? प्रेमा जी, मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता. प्रेमा जी, आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता. क्या कह रहा हूँ? नहीं प्रेमा जी, मैं आपके बगैर जिंदा. तुम क्या अंदर? आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता. केशु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? उठो, मुझे पूछ रहे हो मैं क्या कर रही हूँ? चप्पल किसकी है? आ, पता नहीं, एक ही है, चलो ले लेते हैं. चप्पल का क्या करोगे? अरे दूसरी भी मिल जाएगी. चलो उठो. देखो मिल गई. चलो चलो चलो, दोनों मिल गई. पता नहीं क्या क्या करते रहते हो तुम. बुरी बात केशव जी, वेरी बुरी बात. आप दिन में तो मेरे घर के चक्कर काटते हैं, उसकी तो मुझे आदत हो गई है, लेकिन आप रात को भी मेरे घर की बेल बजाने लगे. वेरी बैड. लेकिन क्या करूं प्रेमा जी, मैं नींद में भी आपके दर्शन के लिए तरसता. लेकिन केशव जी, किसी की बेल बजाने से क्या फर्क पड़ता है? औरत का दिल जीतने के लिए कुछ करना पड़ता है. हाँ तो दिलरुबा जी ने क्या किया था? उसने मुझसे शादी की थी, और पति को शादी के अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. लेकिन प्रेमी को, प्रेमिका का दिल जीतने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है. अच्छा, क्या करना पड़ता है प्रेमा जी, बताइए. आई एम रेडी, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ. ओह, इट्स वेरी डेंजरस केशव जी. बताइए ना. 7-7.5 समुंदर को पार करना पड़ता है. 7-7.5 समुंदर. ओके. और वो माउंटेन का नाम क्या है? क्या? माउंट एवरेस्ट को क्रॉस करना पड़ता है. अच्छा, माउंट एवरेस्ट. इट्स वेरी हाई, यू नो. आई एम रेडी, मैं करने के लिए तैयार हूँ. उसके बाद तो आप मेरी हो जाएगी ना प्रेमा जी? आप मेरी हो जाएगी, आप मेरी हो जाएगी प्रेमा जी. हाँ, लेकिन बाद में, अभी नहीं. उसके बाद एनीथिंग, 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 एनीथिंग. प्रॉमिस, प्रॉमिस, प्रॉमिस प्रेमा जी, प्रॉमिस. आई गिव प्रॉमिस. ओके, थैंक यू प्रेमा जी, एनीथिंग. ओह गॉड, प्रॉमिस, एनीथिंग, एनीथिंग. नाम कैसे कमाया जा सकता है गोखले, बता, नाम कैसे कमाया जा सकता है? एनीथिंग का सवाल है. केशव, वैसे तो नाम कमाने के कहीं आसान तरीके हैं. मतलब? किसी भी बिल्डिंग के 25वें माले पे जाकर कूद जाओ, कल फ्रंट पेज पे तुम्हारा फोटो छपेगा. अरे पागल, ऐसा कोई तरीका बता जिससे मेरा नाम अखबार में छपे और वो पढ़ने के लिए मैं जिंदा भी रहूं. अच्छा ये बात है. हाँ. तो फिर तुम्हें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आज तक दुनिया में किसी ने न किया हो. जैसे? जैसे सुनील गावस्कर ने क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया. अरे अभी अभी एक आदमी ने आधी भोरी लहसुन खाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर दिया. आधी भोरी लहसुन?
आइडिया गोखले। क्या आइडिया? उसने लसुन खाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं प्याज खाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ता हूँ। फर्स्ट क्लास है आइडिया। मैं अभी जाकर एक बोरी प्याज लेकर आता हूँ। एक बोरी प्याज? हाँ। ओके। सीधा जाकर बैठते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों के गाड़ी के सामने। एनीथिंग। ओके बॉस, थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन। आई विल टेक केयर ऑफ इट। ओवर एंड ऑल। कट। अभी अभी मुझे गिमिक्स हेडक्वार्टर से सूचना मिली है। क्या? कि केशव कुलकर्णी नाम का कोई आदमी इसी इलाके में प्याज खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। ये भजिया बनाकर? क्या मतलब? मुझे बहुत भूख लगी है। अगर वो भजिया बनाकर रिकॉर्ड बना रहा है तो मैं थोड़े भजिया खाकर उसकी मदद कर दूंगी। भजिया नहीं, वो प्याज खा रहा है। तो जल्दी करो केशव, जल्दी करो, गिमिक्स बुक वाले तुम्हें देख रहे हैं। लेकिन गोखले, ये तो तीखा लग रहा है। अरे प्याज तो तीखा ही होता है। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही तीखा है। तो क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हें शक्कर में घोले हुए प्याज चाहिए? लेकिन गोखले, ये प्याज खाने से मेरी आंख और नाक में से पानी निकल रहा है। ऐसा मत कहो केशव, गिमिक्स बुक वाले देख रहे हैं। पानी? पानी? नो पानी, ओनली वर्ल्ड रिकॉर्ड। अरे बाढ़ में गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। यहाँ मेरा मुंह जल रहा है, तू वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहा है। लगता है उसने प्याज फेंक दिया। तो फिर चलो उल्टे पाँव सीधा दफ्तर चलते हैं। उल्टे पाँव? तुम चलो, मैं प्याज बेच कर आ जाता हूँ। एक मिनट गोखले, एक मिनट। क्या है? तूने अभी अभी क्या कहा? उल्टे पाँव दफ्तर चलते हैं। हाँ। आइडिया गोखले, मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आ रहा है। क्या है? अगर मैं उल्टे पाँव दफ्तर चल कर गया तो ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। गोखले, हेलो, एक्सक्यूज मी, आज से मैं एक महीने तक उल्टे पांव चलूंगा, उल्टा खाऊंगा, उल्टा पीऊंगा, उल्टा सोऊंगा। बस बस बस, अभी से स्टार्ट करते हैं। वो तुम्हें देख रहे हैं। ऑल द बेस्ट। वन टू स्लैट, लेफ्ट लेफ्ट राइट, समझ लगे? एक्सक्यूज मी, हो जाएगा हो जाएगा, कम ऑन, बी ब्रेव, कम ऑन, लेफ्ट। सुनो, हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म करो। हेलो हेडक्वार्टर्स, वो प्याज खाने वाला आदमी अभी उल्टे पांव जा रहा है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। वी आर ऑन ए स्ट्रेट सर। कोई बात सुने ना मेरी निगोड़ी, कैसी जवानी है, केशव किधर है? पता नहीं सर, वो जाते वक्त बताकर नहीं गए। अच्छा, और वो तुम्हारे सामने वाला गोखले? सर कुछ देर पहले वो प्याज के भाव पूछ रहे थे। अच्छा, दोनों मिल करके सब्जी मंडी में सब्जी बेचने गए। आपको कुछ चाहिए सर? कलकत्ते के क्लाइंट का केस किधर है? वो कुछ देर पहले कुलकर्णी जी ने डस्टबिन में डाल दिया। क्या? हाँ सर, कह रहे थे मैं आज काम नहीं करूंगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगा। अरे काम नहीं करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तो वो बहुत पहले तोड़ चुका है। किधर है? क्या? सॉरी बस, सॉरी। अबे सीधी तरह चलते नहीं बनता। नहीं सर, आज से एक महीने तक मैं सीधा नहीं चलूंगा, सिर्फ उल्टा चलूंगा। पागल हो गए क्या? बात यह है सर कि केशव उल्टे पांव चलने का विश्व रिकॉर्ड कर रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाला हूँ सर मैं। देखो चुच्चे कुलकर्णी, सीधी तरह जाकर अपने केबिन में काम करो, वरना तुम्हें उल्टे पांव घर भेज दूंगा, समझे? ओके सर। नहीं ओके सर। केशव fast fast right right left left sorry full left full left full left full left come on three two nonsense oh hello chintu bete mummy jaldi aao kya hua gaadi cassette kitna rewind ho rahe hai kya cassette sambhalo keshu it's all right it's all right seedha chalo seedha ek minute ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम आज उल्टे पाँव क्यों चल रहे हो? क्योंकि मैं उल्टे पाँव चलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। इसका मतलब तुम आज दिन भर उल्टे पाँव ही चल रहे थे? यस, क्योंकि यस, मैं ट्रेन में भी उल्टे पाँव ही चढ़ा, इसलिए तो देर हो गई। हाँ हाँ, बराबर है, लोगों ने अंदर आने नहीं दिया होगा। नहीं नहीं, उल्टा लोग तो मुझे देख कर हट गए, उनको लगा मैं ट्रेन से उतर रहा हूँ। तो फिर देर क्यों हुई? क्योंकि उल्टे पाँव चलने के चक्कर में आने वाली गाड़ी की जगह जाने वाली गाड़ी में चढ़ गया। इसका मतलब आज तुम सब जगह उल्टे पाँव ही चल रहे थे? हाँ हाँ, ट्रेन में, रास्ते पर, ऑफिस में, सब जगह उल्टे पाँव ही चलता रहा। क्योंकि केशु, तुम्हारी ये बेवकूफी फौरन बंद करो। क्या बेवकूफी? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड को तुम बेवकूफी कहती हो? बेवकूफ मुझे ही बेवकूफ कहते हो? तुम्हारी इन्हीं हरकतों से मोहल्ले में तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, और ऊपर से तुमने उल्टा चलने का सिलसिला जारी रखा ना, तो मेरा रास्ते से सीधा चलना मुश्किल हो जाएगा। अरे क्योंकि एक बार मेरा नाम गिमिक्स बुक में आ जाने दो, सबके मुंह बंद हो जाएंगे, जानती हो? नाम तो मेरा गिमिक्स बुक में आना चाहिए, तुम्हारे जैसे पति की पत्नी होने के नाते। ल
लगता है रिकॉर्ड की जगह केशव ब्रेक हो गया। केशव! हे बाबा, मेरा मर्द मर गया, मैं लूट गई, क्रिया करने को पैसा नहीं, कोई भी मदद करो बाबा, कोई भी मदद करो, मेरा मर्द मर गया, मेरा मर्द मर गया, मेरा मर्द मर गया। क्या किया? मेरा मर्द जिंदा हो गया ना? तो क्या हुआ? मैं खाऊंगी क्या? अच्छा अच्छा, ये लीजिए अम्मा जी, बस चले फिर से मर जा। देखो मर गया। मेरा मर्द मर गया, मेरा मर्द मर गया। आप लोग बैठिए, मैं बुलाता हूँ। डॉल भाई, तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए पत्रकार लोग आए हैं। So, let them wait. This is long. Hello. Namaste. कौन सी पत्रिका कहा था आपने? तारा सितारा। Oh, yes. तो इंटरव्यू शुरू करें? हाँ, of course. कौन है? देखो तो. This is too much. अरे हेलो दिलरुबा जी, आप एक काम कीजिए, आप अभी चाहिए, अभी डॉल का इंटरव्यू हो रहा है। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट के लिए आया। हेलो प्रेमा जी। केशव जी, आप उल्टा क्यों चल रहे हैं? प्रेमा जी, आपने मुझे कहा था कुछ करके दिखाओ, वो प्रॉमिस वाली बात, वो एनीथिंग वाली बात, इसलिए मैंने एक महीने तक उल्टा चलने का फैसला कर लिया है। मैं 7.5 समंदर उल्टा तैर जाऊंगा, मैं एवरेस्ट पर उल्टा चढ़ जाऊंगा। उल्टा चलकर? हाँ, एक महीने तक उल्टा, सिर्फ उल्टा चलता रहूंगा। मैं उल्टा खाऊंगा, उल्टा पीऊंगा, मैंने गिमिक्स बुक वालों को भी बताया है। अबे गिमिक्स नहीं यार, गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड। अरे गिमिक्स ही है, अभी अभी नया निकला है। तो फिर ये कोई तेरा नया गिमिक होगा केकड़े? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है केशव कुलकर्णी। केशव जी, हम आपका इंटरव्यू ले सकते हैं? श्योर, व्हाई नॉट। एक्सक्यूज मी, आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं? मैडम, आपका इंटरव्यू हम लोग बाद में लेंगे, अभी तो इनका लेंगे। आप बैठिए ना। मैं क्या उल्टा बैठ सकता हूँ? चलेगा। ओके मैडम, आप हटिए, आप बैठिए। ओके, कमाल है ये तो। अब पूछिए, क्या पूछना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है केशव कुलकर्णी। केशव जी, एक फोटोग्राफ प्लीज। अच्छा, एक मिनट। कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तीसरी बार गिरा तूने मुझे, तीसरी बार गिरा। ठीक से ड्राइविंग नहीं कर सकता क्या? चल फर्स्ट गियर में डाल। क्या मैं आंटी लगती हूँ? नहीं, मैंने आपको नहीं कहा, इनको आंटी कहा। क्या मैं आंटी दिखती हूँ? नहीं, सॉरी सॉरी माँ जी। ऐसा गाइड करते, ये मिसगाइड कर रहा है तू। ओके बाय माँ जी। अरे देख के चलो, क्या होता है? अबे ओए, अरे उल्टा कौन चल रहा है, मैं या तू? मैं। हाँ तो फिर देख के किसको चलना चाहिए, मुझे या तुम्हें? अरे क्या हुआ केशव? अरे यार, खुद देख के नहीं चल रहा, मेरे साथ झगड़ा कर रहा है। जाओ बाबा जाओ, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड? धक्का मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड? अबे ओए शाने, ज्यादा शान करने का बोले, चल जा निकल, अपनी गली से निकल। बोलो माफ करो बाबा, जाओ 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 जाओ। चल केशव, केशव मैं तेरे साथ चलता हूँ, वरना जरूर कोई तेरी धुलाई करेगा। जा गोखले, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, अपन अब अकेला चल सकता है, चल जा निकल। डॉल, डॉल क्या है? इधर आओ, कम हियर, स्टॉप शाउटिंग। व्हाट डू मीन बाय शाउटिंग? ये देखो, अखबार में केकड़ों की तस्वीर छपी है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? इसमें लिखा है कि केशव कुलकर्णी ये कहता है कि वो प्रेमा शालिनी का दिल जीतने के लिए एनीथिंग करेगा। एनीथिंग? हाँ, और आगे लिखा है कि प्रेमा ही उसकी प्रेरणा है। देखो देखो, what is the meaning of this anything? No. I want to know today, anything meaning what? No, वो तो लोग मुझसे वैसे भी प्रेरित होते रहते हैं, और मैंने तो उसे अवॉइड करने के लिए कहा था anything. I didn't mean anything, dear. Really? Really? ओवरऑल लफंगे बदमाश। नहीं क्योंकि ये सब गलत है, ये सब झूठ है। झूठे तो एक पेपर में कैसे छप के आया? वो तो छापते हैं वो लोग। शट अप।
ये इंटरव्यू तुमने नहीं दिया है? हाँ, दिया है। इतने दिन मोहल्ले में मेरी बदनामी हो रही थी, अब सारे देश में होने लगी है। अब मेरे मायके वाले क्या सोचेंगे? नहीं कोकी, रो मत कोकी, मेरी निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। अच्छा अच्छा, जाता हूँ कोकी। तुमने हमारी कंपनी की इमेज को मिट्टी में मिला दिया और तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हो। लेकिन मेरी पब्लिसिटी से कंपनी को कितना फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि घाटा हो गया है। वो कैसे? तुम्हारी उल्टी सीधी हरकतों से कंपनी के क्लाइंट उल्टे पांव जा रहे हैं। वो कुछ भी हो सर, मेरा पगार बढ़ाना पड़ेगा वरना मैं कंपनी छोड़ के चला जाऊंगा। ओके, हम उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर केशव कुलकर्णी, हरिया हरिया। ओके सर। बॉय। माइनस। बोलो प्लस। तुमने कुछ देखा? हाँ देखा। क्या देखा? एक लड़की को देखा। गिमिक्स कंपनी का तुम्हें लड़कियां देखने के लिए अपॉइंट किया है? अगर कोई लड़की मेरे सामने से गुजरे तो मैं क्या करूं? आंखें बंद कर लो। हाँ बाबा। नहीं बाबा, कल मैंने ऐसा ही किया। एक लड़की मेरे सामने से गुजरी और मैंने आंखें बंद कर ली तो उससे गलत फहमी हो गई कि मैं उसे आंख मार रहा हूँ। वो देखो केशव कुलकर्णी उल्टे पांव आ रहा है। आज लास्ट दिन है, आज हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्मेशन देनी है। ए, रुक रुक, इधर उल्टा किधर जाता है? तू अपना काम कर बे। तेरे को क्या है? पीएल है क्या? पीएल है? अबे खुद बेवड़ा है, मेरे को पीएला बोलता है अबे। अरे अरे, सीधा जा रहा है बाप। इधर इधर चल, अपन तेरे साथ आएगा। अबे ये बेवड़े। हेलो गिमिक्स गाइस, हाउ आर यू? पिछले एक महीने से मैं उल्टा चल रहा हूँ, आज मेरा आखिरी दिन है। लिख लीजिए लिख लीजिए, एक महीने से उल्टा चल रहा हूँ। ओके, हाउ आर यू? ओके, बाय। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हेलो हेडक्वार्टर्स, केशव कुलकर्णी का वर्ल्ड रिकॉर्ड खत्म होने में सिर्फ कुछ घंटे ही बाकी है। हेलो प्रेमा जी, क्या पढ़ रही है? मेरा इंटरव्यू नहीं, आप क्यों आए यहाँ पर? मैं आपको बताने आया हूँ प्रेमा जी कि आज मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड का आखिरी दिन है। कंग्रेचुलेशन। कंग्रेचुलेशन से काम नहीं चलेगा। जैसे ही मेरा नाम गिमिक्स बुक में दर्ज हो जाता है, आपको अपना वादा निभाना पड़ेगा। कौन सा वादा? वही जो आपने किया था, प्रॉमिस। प्रॉमिस? एनीथिंग एनीथिंग Anything? Tomorrow morning, morning, anything. Morning, morning, anything? Yes, Prema ji. आज रात को मुझे नींद नहीं आएगी। मुझे नींद न आए। Bye, Prema ji. मुझे नींद न आए। आज रात तो मुझे भी नींद नहीं आएगी। Anything? No, nothing. Nothing. Deal? लगता है डेड एंड है। आजकल डेड एंड बहुत निकले हैं। उठो डैडी। क्या कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? अरे कोकी हो? कोकी? हाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो और मैं कहाँ हूँ? चाहे तुम्हें नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? अरे वो गिमिक्स बुक वालों ने देखा ना तो गया तुम्हारा वर्ल्ड रिकॉर्ड गया। गिमिक्स बुक? और नहीं तो क्या। यानी मैं सीधा चल रहा था? ओह माय गॉड, चलो चलो चलते हैं। वहाँ कहाँ जा रहे हो? वहाँ कचरे का डिब्बा है। उल्टा चल रहा है। अब चलो। अरे आइए आइए, मैं कभी से आप ही का इंतजार कर रहा था। अवार्ड लाया ना? मैं बिल्कुल रेडी हूँ। अब मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ। आप मिसेस कुलकर्णी को बाहर बुलाएंगे? ओह श्योर श्योर। कोकी कोकी जरा बाहर आना, ये देखो गिमिक्स बुक वाले मेरी फोटो खींच रहे हैं। अरे केशव, तुम्हारे उल्टे पांव चलने का फायदा हो गया। चुप रहो, स्माइल करो। ओके ओके ओके।
आप जरा साइड हटिए। ओह सॉरी सॉरी कुकी, जरा साइड प्लीज। ओके। वो नहीं आप। मैं? लेकिन क्यों? क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने मैडम का नाम दर्ज किया है। व्हाट? लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक महीने तक उल्टे पाँव तो मैं चला हूँ। हाँ, मेरा नाम वहाँ कैसे गया? हाँ, अरे आप नहीं जानती मैडम, आप दुनिया की एकमात्र ऐसी महिला हैं कि जिनके पति दिन में उल्टा और रात को सीधा चलते हैं। नहीं, वो सब ठीक है, फिर भी इसमें मैंने क्या किया? अरे आपको मालूम नहीं है मैडम, ऐसे पति को बर्दाश्त करने वाली आप दुनिया की एकमात्र महिला है। मिस्टर धर्मकारी साहब, मैं कितनी बार आपसे कह चुकी हूँ, मैं सिर्फ बड़े बजट की फिल्में करती हूँ, टॉप बैनर की। मैं टीवी सीरियल्स नहीं करती। ऑलराइट? या गुड मॉर्निंग प्रेमा जी। गुड मॉर्निंग केशव जी। कैसी हैं आप? कैसी लग रही हूँ मैं? फर्स्ट क्लास, एक्सलेंट, मार्वेलस। थैंक यू। सॉरी सॉरी। हेलो प्रेमा जी। हेलो कुकी जी। क्या चल रहा था केशव? अंदर चलो। हाँ चलो, अंदर चलो। क्या हो डॉल, हंस क्यों रही हो? कोई पागल देखा क्या? नहीं केशव जी, एक ही बात है, केशव जी मेरी तारीफ कर रहे थे तो पीछे से कोकी जी ने आके उनको टोक दिया। पता है सभी शादीशुदा मर्दों की यही प्रॉब्लम है, बीवियां पीछे पड़ जाती हैं। नॉनसेंस। वैसे आई वंडर केशव जी का क्या हाल होगा जब मैं हॉलीवुड चली जाऊंगी तब। डॉल तुम्हें उस केकड़े की फिक्र है और मेरी कोई फिक्र नहीं। तुम्हारी फिक्र मैं क्यों करूं, तुम तो वेट कर रहे हो मैं कब हॉलीवुड जाऊं। हो ऐसा मत कहो डॉल। और नहीं तो क्या, कल रात सपने में कह रहे थे बाय बाय डॉल, टाटा डॉल, और मुंह से हवाई जहाज की आवाज भी निकाल रहे थे। मैं? ऐसे क्या? बिल्कुल ऐसे। हाँ रियली? लेकिन सपने में तो आदमी कुछ भी कहता है। जी नहीं, सपने में वो सिर्फ वही कहता है जो उसके दिल के अंदर होता है। डॉल डॉल तुम अगर चली गई हॉलीवुड तो मेरा क्या होगा, मैं अकेला बोर हो जाऊंगा। कुछ नहीं होगा तुम्हारा। किसका फोन है? हेलो प्रेमा, सपना बोल रही हूँ अमेरिका से। सपना फ्रॉम अमेरिका? कितने सालों बाद तुमने मुझे याद किया सपना, वेरी बैड। मैं इंडिया आ रही हूँ प्रेमा। ओह लवली। हाँ, मॉडलिंग के लिए इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ओह दैट्स ग्रेट, कब आ रहे हो तुम? परसों आफ्टरनून। सपना तुम्हारी टाइमिंग बहुत खराब है, परसों दोपहर को तो मैं अमेरिका जा रही हूँ। ओह माय गॉड, मैं वहाँ आ रही हूँ और तुम अमेरिका आ रही हो, हाउ सैड। बट प्रेमा मैं रहूँगी कहाँ? रहने की बात है ना, तुम मेरे घर में रह सकती हो। डॉल हमारे घर में कैसे रहेगी वो? शट अप। तुम्हारा घर खाली रहेगा? खाली समझो, सिर्फ एक पति है यहाँ पर बस। What you mean? But don't worry, he's very harmless. दिल नाम है उसका, लेकिन खातिर बहुत अच्छी करेगा तुम्हारी। हाँ ओनली जरा ये अड़ोसी पड़ोसी वालों से जरा बच के रहना तुम, खासकर केशव कुलकर्णी से। मेरा मतलब वो केशव कुलकर्णी यहाँ पर एक पड़ोसी है, वो औरतों के मामलों में थोड़ा, you know what I mean? प्रेमा, don't worry, ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से टैकल कर सकती हूँ। After all, अमेरिका की ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ। Yes, of course. Don't worry, सपना, दिल तुम्हारा सारा इंतजाम करेगा, okay? तुम यहीं रहोगे। Okay, thanks a lot. Bye. Bye. See them, no problem. अब तो तुम्हें अकेले नहीं रहना पड़ेगा ना यहाँ पर, है ना? But still, I'll miss you, doll. या, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, मैं तुम्हारी सूरत तक देखना नहीं चाहता। तो यहाँ कौन तुम्हारी मनहूस शक्ल देखना चाहता है? अच्छा तो जाओ अपने मायके चली जाओ। क्यों चली जाऊँ मैं मायके, क्यों चली जाऊँ? ताकि तुम प्रेमा के साथ और फ्लर्टिंग करते रहो। देखो कोकी, प्रेमा जी का नाम मत लेना, अगर तुमने दूसरी बार प्रेमा जी का नाम लिया तो मैं तुम्हें तलाक देकर प्रेमा जी के साथ शादी करूंगा, समझी? और जिंदगी भर कपड़े धोते रहना। कोकी मुझे परेशान मत करो वरना मैं तुम्हें सचमुच में तलाक दे दूंगा। अरे जाओ जाओ, मुंह तो देखो तलाक देने वाले का। अच्छा ये बात है, आज ही एक अच्छे से वकील को मिलकर मैं तुम्हें नोटिस भेजता हूँ, देखती रह जाओगी। मम्मी रो मत, मैं बड़ा होकर डैडी को घर से निकाल दूंगा। चुप चिंटू चुप, खबरदार ऐसी बात की तो जुबान खींच लूंगी मैं तेरी। अरे
मुझे तो लगा आप खुश हो जाओगी, वरना उस उम्र में मैं नया डैडी कैसे लाऊंगा। चुप बैठता है कि नहीं, जा अंदर जाकर अपना होमवर्क कर ले जा। हाँ माँ, और आप भी अपना रोना जारी रखो, हो सकता है डैडी आपको नई साड़ी दे दे। भाग अंदर जा। कुकी, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? धमकी देता है बार बार केशव, मुझे धमकी देता है कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा। इतनी सी बात पे रो रही हो? तो और क्या करूं? अरे मैं तो सीधी इनके सामने तलाक का फॉर्म ही रख देती थी। तलाक का फॉर्म? हाँ, हमारे इनको बार बार मुझे धमकी देने की आदत थी। मैं सीधी गई वकील के पास और ले आई तलाक का फॉर्म और रख दिया इनके सामने। हाँ? और कहा दे दो तलाक। हाँ? तब से इनकी बोलती बंद हो गई। अच्छा। देखो एक फॉर्म मेरे पास अभी भी है। इसका मतलब तुम फॉर्म लेकर ही घूमती हो? हाँ, पता नहीं कब किस वक्त इसकी जरूरत पड़ जाए। हाँ, हाँ। और लो तुम भी रख लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे रख लो, आइंदा अगर केशु ने तुम्हें धमकी दी ना तो मेरा फॉर्मूला यूज करना। अरे वो तो मुझे वाकई तलाक दे देगा। तो फिर तुम ही फायदे में रहोगी ना। कैसे? हर महीने तुम्हें मुआवजा मिलेगा। मैं जा रहा हूँ। अरे रे रे, ये सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देखा? इससे तो अच्छा होता मैं गधे का मुंह देखता। गधे का मुंह देखना है ना? हाँ। तो जाओ अंदर जाके आईना देख लो। ये गंगा। चुप केशु चुप। सुबह से मुझे धमकी दे रहे हो ना कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अरे छोड़ो ना कोकी, वो तलाक का प्रोग्राम मैंने कैंसिल कर दिया। क्यों? मैंने वकील को फोन किया तो उसने मुझे कहा कि तलाक के फॉर्म की शॉर्टेज है। अच्छा, कोई बात नहीं, मेरे पास है तलाक का फॉर्म। गंगा मौसी लाई है मेरे लिए, ये लो। अच्छा ये बात है, ऐसे नेक काम तो गंगा ही कर सकती है ना। अगर अब तुम्हें हिम्मत है तो दे दो कोकी को तलाक। ठीक है, तुम्हें तलाक चाहिए ना कोकी, आज शाम तक तुम्हें तलाक मिल जाएगा। गुड बाय कोकी। केशव, तो केशव कुलकर्णी की प्रेस्टीज का सवाल है। हाँ? गरम है, गरम है। अब मेरी दूसरी शादी हो या ना हो, मैं कोकी को तलाक देकर ही रहूंगा। ये बात है तो फिर चलो। हाँ? तुम्हें एक अच्छे वकील के पास लेकर चलता हूँ। हाँ? उस वकील का नाम क्या है? एडवोकेट तलाक माँ। अच्छा, तो आपको अपनी बीवी से तलाक लेना है? मैं अपनी बीवी को कुछ दिनों के लिए तलाक देना चाहता हूँ। ये कुछ दिनों के लिए क्या होता है? तलाक तो हमेशा के लिए होता है या नहीं होता है? नहीं नहीं मिस्टर तलाक मार, कुछ दिनों के लिए अपनी बीवी को तलाक दे देता हूँ, बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर से शादी कर लूंगा। मेरे 90% क्लाइंट ऐसा ही करते है। ये कपल देख रहे हो, ये है ना मेरे लाइफ मेंबर है, इनको मैंने 4 बार तलाक दिलाया है। 4 बार? हाँ, क्या होता है 2 तलाक के बीच में इनको फिर से प्रेम हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं। अरे तलाक तो इनके लिए एक वेकेशन है, वेकेशन। फिर तो आप इन्हें कंसेशनल रेट में तलाक देते होंगे। इन्होंने मेरे पास फिक्स डिपॉजिट रखा है। अच्छा, आप तलाक क्यों देना चाहते? मिस्टर तलाकमार, मैं अपनी बीवी को सबक सिखाना चाहता हूँ। इनकी बीवी का बाहर कोई चक्कर है क्या? चक्कर तो बाहर इनका है। क्या? हाँ, इनकी बीवी तो बड़ी सीधी साधी है। ये गोखले, तू मेरा दोस्त है या कोकी का दोस्त है? आई एम सॉरी, आपको तलाक नहीं मिल सकती। अगर मिल भी गई ना तो बहुत महंगी पड़ेगी आपको। वो कैसे? क्या है, आपको हर महीने अपनी तनख्वाह में से अपनी बीवी को मुआवजा देना पड़ेगा। और अगर आपको बच्चा होगा, है कि नहीं? नहीं है, बच्चा है, बच्चा है। है ना, तो वो आपकी बीवी लेके चली जाएगी, और अगर उसको कोई अच्छा आदमी मिल गया आपसे भी, तो आपको जिंदगी भर जलन होती रहेगी, जो आजकल होता है ऐसे किस्से में। इसलिए मैंने जो कहा वो कीजिए, शाम को जल्दी घर जाया कीजिए, समझे कि नहीं? जाइए। अच्छा अच्छा, लाइए 500। कोकी, क्या है? कोकी, तुम केशु को तलाक कब दे रही हो? मैं तुम्हारे लिए कितने लड़के ढूंढ के लाई हूँ। लड़के? हाँ, अगर तुम दूसरी शादी करना चाहो तो। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटे हैं क्या गंगा मौसी, दोबारा शादी करूँ मैं? अरे पहले पति को सबक सिखाने के लिए दूसरी शादी करनी ही चाहिए। तो तुम क्यों नहीं कर लेती? ये मेरा दूसरा ही पति तो है। क्या? हाँ, और इसके सर पे भी मैंने तीसरे पति का टेंशन छोड़ दिया है। ओहो गंगा मौसी, यू आर ग्रेट, तुम्हें तो अमेरिका में पैदा होना चाहिए। हाँ, अच्छा तो ठीक है, मैं बुला लूँ उनको। नहीं, मैं जरा पहले केशु को बुलाती हूँ। अच्छा। हाँ? मिस्टर केशव। यस कोकिला। तुम मुझे तलाक कब दे रहे हो? क्यों, इतनी भी क्या जल्दी है? क्योंकि मैं दूसरी शादी कर रही हूँ। अच्छा, लेकिन तुमसे कौन करेगा दूसरी शादी? गंगा मौसी ने मेरे लिए लड़कों की लाइन खड़ी कर दी है। जरा मैं भी तो देखूं किसके भाग्य में शनि की पनौती है। गंगा मौसी, बुला लूं? बुलाओ बुलाओ गंगा, दिखाओ तुम्हारा स्टॉक, दिखाओ। देखते रह जाओगे?
आ जाओ भाई लोग। क्या हुआ गंगा मौसी, ये सारे नमूने लाई हो तुम मेरे लिए? ठीक है कुकी, एक बच्चे की माँ के लिए चलेंगे ना? नहीं चलेंगे, मुझे नहीं चाहिए ऐसे। हाँ? भेज दो इन्हें। भेज दो? बिल्कुल। अच्छा जाओ। अच्छा देखो, वैसे एक और लड़का है बाहर खड़ा है, बुला लूं? अब बुलाया है तो देख लेती हूँ। अच्छा नेक्स्ट। दिलरुबा जी, दिलरुबा जी आप? कोकी जी, ये लीजिए फूल स्वीकार कीजिए। रखिए। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें मेरा बायोडाटा भी अटैच्ड है। मैं बहुत जल्दी फ्री हो रहा हूँ। मतलब डॉल मुझे छोड़कर जा रही है? प्रेमा जी आपको छोड़कर जा रही है? हाँ। अरे फिर तो मैं प्रेमा जी के साथ ही शादी कर लेता हूँ। गंगा यह सारा मामला संभाल लेना। लावे टोपी ला। ये मेरी है। क्या? टोपी तो मेरी है। कोई बात नहीं, टोपी रख ले, नारियल दे दे। नारियल क्यों दे दूँ? ये लेके जा, ये ले। जा, चल। क्या? प्रेमा जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। देखिए मैं आपके लिए अंगूठी भी लाया हूँ जवेरी बाजार के मुकुट वाला ज्वेलर्स के यहाँ से। अंगूठी? हाँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है केशव जी? इट्स वेरी सिंपल प्रेमा जी, मैं आपके लिए कोकी को डिवोर्स दे रहा हूँ। तलाक? हाँ। ओ गॉड। अच्छा दिलरुबा जी बता रहे थे कि आप उनको छोड़ के जा रही हैं। मैं दिल को नो केशव जी, मैं दिल को कैसे छोड़ सकती हूँ? कुछ दिनों के लिए छोड़ के जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू हॉलीवुड यू सी। लेकिन क्यों? आपको नहीं मालूम केशव जी, हॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर इवान यूबर्ग ने अपनी इंग्लिश फिल्म चिल्ड्रंस पार्क में मुझे मेन मदर का रोल दिया है। ओह, चिल्ड्रंस पार्क में बड़ी माँ का रोल मिला है आपको। गुड गुड। लेकिन प्रेमा जी आप चली जाएंगी तो मैं किसका मुंह देखूंगा? बालकनी से गुड मॉर्निंग किसे कहूंगा? केशव जी डोंट वरी, मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम है सपना, कल से वो यहाँ रहने आ रही है। वो सुबह सुबह बड़ी जल्दी उठ जाती है, जब वो बालकनी में जाएगी आप उसे गुड मॉर्निंग कह देना। सपना, वो कब आ रही है? कल दोपहर को। और आप कब जा रही है? कल दोपहर को। लेकिन केशव जी देखिए ना, कल की फ्लाइट है, मैं हॉलीवुड जा रही हूँ लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं है। ओहो डोंट वरी प्रेमा जी, गाड़ी का बंदोबस्त हो जाएगा और मैं आपको गाड़ी में हॉलीवुड तक छोड़ने आऊंगा। लेकिन केशव जी मुझे गाड़ी हॉलीवुड तक नहीं, सिर्फ एयरपोर्ट तक चाहिए। सॉरी एयरपोर्ट तक छोड़ने आऊंगा। ओके केशव जी, आप गाड़ी का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे? अरे प्रेमा जी मैं कर लूंगा, डोंट वरी मैं कर लूंगा। वो क्या नाम बताया, कौन आने वाली है? सपना। सपना, वो कब आ रही है? कल। ओहो, और आप कब जा रही है? केशव जी एक्सक्यूज मी, ये जरा अंगूठी ले लूं। क्यों? ये भाड़े पे लाया था। ओके प्रेमा जी बाय। सपना भाड़े पे लाया था, इडियट। रामा 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 गुड आफ्टरनून सर। केशव तुम वापस आ गए? सर आज आप ऑफिस पैदल चलकर आए? किसने कहा तुमसे? अपनी गाड़ी में आए हैं हम। ओहो आपकी गाड़ी की कंडीशन कैसी है सर? टॉप कंडीशन है। अच्छा वैसे आज फुटपाथ पर चल गई थी, केवल बम्पर टूटा है, बाकी सब ठीक है। अच्छा थैंक यू सर। सर आप कल दोपहर को आपकी गाड़ी से कहीं जाने वाले हैं सर? क्या? नहीं मेरा एक रिश्तेदार जो है उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने जाना है। अरे तुम्हारे रिश्तेदार को तो एसटी से जाना चाहिए। एसटी से? सर एसटी हॉलीवुड तक जाती है सर? हमारा रिश्तेदार हॉलीवुड जा रहा है? जी सर। वो कौन है वो? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा सर। बताइए ना कल दोपहर को आप अपनी गाड़ी से कहीं जाने वाले हैं सर? कल मेरी गाड़ी मैकेनिक के जा रही है, उसका बम्पर टूटा है, लाइट जलती नहीं है और अभी ब्रेक लगाओ तो आधे घंटे बाद लगता है। अच्छा ठीक है सर, मैं प्रेमा जी को बता दूंगा। गाड़ी प्रेमा जी को चाहिए? हाँ प्रेमा जी के लिए चाहिए। प्रेमा जी को? हाँ। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हाँ। तो ले जाओ ना मेरी गाड़ी। लेकिन आपकी गाड़ी की कंडीशन तो खराब है सर। अरे केशव वो मैंने झूठ कहा था तुमको बनाने के लिए। अच्छा, समझे ना, जाके उससे कह दो प्रेमा जी से कि कल गाड़ी मिल जाएगी ड्राइवर के साथ। ओके सर, ओके थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। रामा 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 डॉल, मुझे एक बात बताओ। क्या? मैं तुम्हें छोड़ने एयरपोर्ट क्यों नहीं आ सकता? लेकिन डॉल तुम यहाँ इतना रो रहे हो तो वहाँ पर कितना बड़ा इमोशनल ड्रामा करोगे तुम? इट्स वेरी एम्बैरेसिंग, तुम्हें वहाँ चुप कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी सपना आ रही है, कोई तो होना चाहिए घर पे उसे रिसीव करने के लिए। हाँ नीचे जाके देखो गाड़ी आई है कि नहीं आई है। हमारी गाड़ी गैराज में है। रोना बंद करो। हमारी गाड़ी गैराज में है। हमारी गाड़ी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, केशव जी ने खास मेरे लिए गाड़ी का इंतजाम किया है। ठीक है डॉल, तुम
जरूर जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे? नहीं भूलूंगी। वहां से जल्दी मत आना। क्या मतलब पूरी फिल्म खत्म करके आना, वरना दोबारा जाना पड़ेगा ना। तुम मुझे इतनी एडवाइस दे रहे हो, थोड़ी एडवाइस मुझसे भी ले लो। कोकी जी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब जाते समय झगड़ा मत करो डॉल, मेरे करीब आओ। क्या कर रहे हो? मेरे करीब। क्या कर रहे हो? सॉरी, मेरे करीब आओ डॉल। क्यों? डॉल, आई लव यू। चलिए चलिए चलिए, गाड़ी आ गई। लो, कुली नंबर 2 आ गया। अबे ये सामान लेके जानी चाहिए गाड़ी में, लोड कर है? और कटका वटका मार, हम लोग आते हैं अभी। चल निकल निकल, आते हैं अभी। डॉल, ओह गॉड, आई विल रियली मिस यू। इवन आई कांट लिव विदाउट यू। चलिए चलिए चलिए। क्या आदमी है डॉल, मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगेगा। आई लव यू डॉल, आई विल मिस यू। डॉल, मैंने तो आज ब्रश भी किया था। रियली? हाँ, प्रॉमिस प्रॉमिस। ओके। अरे चलिए चलिए। एक मिनट यार, बीवी को विदा तो करने दो। तू जा रहा यार, तू जा रहा यार। चलिए। डॉल, मजा आ गया। वन मोर। गई। बाय डॉल। इस टकलू शर्मा के बच्चे ने कैसा ड्राइवर भेजा? सामान रखने में मेरी मदद भी नहीं करता। केशु जी। प्रेमा जी, आइए हम पीछे बैठते हैं। तो दरवाजा नहीं खुल रहा। ओ ड्राइवर, पीछे का दरवाजा खोल। इट्स ओके, मैं आगे बैठ जाती हूँ। ओके, आप पीछे बैठ जाओ। ओके। अरे ये पीछे का दरवाजा नहीं खुल रहा है, दरवाजा खोल। अरे दरवाजा खोल। ड्राइवर, अरे ड्राइवर दरवाजा खोल। शर्मा जी आप? अरे सुनिए शर्मा जी। केशव जी, ये डॉल का बैग रह गया, क्या करें? लाइए लाइए, मैं पहुंचा तो एयरपोर्ट पर। ओके, टैक्सी टैक्सी। यारो न जाने मुझे क्या हो गया, उस लड़की ने मेरा दिल ले लिया। लगन अब मेरा जिया, उस लड़की ने मेरा। ड्राइवर, सॉरी बॉस, बॉस प्रेमा जी कहाँ है? प्रेमा जी तो निकल गई, वो जा रही है। वो, अरे उनको ये बैग देना है, जल्दी करो, पीछा करो उनका, पीछा करो। चलो जल्दी चलो। अबे तू मुझे उल्लू समझता है क्या, जो मैं प्लेन का पीछा कार से करूंगा? सॉरी बॉस, सॉरी। ओके बाय प्रेमा जी, चलिए चलिए, मुझे घर तक छोड़ दीजिए। चलिए, टाइम नहीं है। अच्छा, प्रेमा जी को हॉलीवुड तक छोड़ने का आपके पास टाइम है और मुझे घर तक छोड़ने का टाइम नहीं है? प्रेमा जी की बात और है और तेरी बात और, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, रिक्शे से चला जा। जो हो, यहाँ से कितना दूर है? बस यहाँ पास ही में तो है। चलिए मुझे वहीं जाना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। रिक, 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 रिक। काफी अर्से में परेशान हूँ, कोई ट्रांसपोर्ट ही नहीं मिलता है। Oh, I'm sorry. आपका कार खराब है क्या? जी नहीं, कार तो खराब नहीं है, लेकिन मेरे ड्राइवर को जरा मीटिंग में जाना है। मैं ड्राइवर नहीं हूँ मैडम। ए दिख रहा है, दिख रहा है। मीटिंग सब कैंसर है। आपको जरूर जाना है ना? Yes. चलिए मैं छोड़ देता हूँ। How sweet, thank you so much. शर्मा, एक अनजान लड़की को लिफ्ट दे रहा है, मुझे नहीं, मैं भी साथ चलूंगा। चल आज चलूंगा। ए शर्मा, मैं भी आऊंगा आपके साथ। मैं भी आऊंगा आपके साथ। शर्मा, ज्यादा पंगा नहीं लेने का, समझा? अबे रख ले रख ले, टोपी रख ले। शर्मा का बच्चा टोपी देकर लड़की उठा ले गया। कोई बात नहीं, कभी ड्राइवर बनूंगा तो काम आएगी। ओहो, प्रेमा जी का बैग, जरा देखो तो, जरूर प्रेमा जी की पर्सनल चीज होगी। के बच्चे खिलौना बनकर मेरा पीछा कर रहा है, देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। चुप। हेलो हेलो, I am Keshav Kulkarni. I am your neighbor.
हे भगवान, तू भी ग्रेट है, एक हाथ से लेता है और दूसरे हाथ से देता है। How are you? केशु, आज ऑफिस नहीं जा रहे हो? कुकी, वो देखो। क्या? हमारी नई पड़ोसन। हे राम।